सर्दी आ चुकी है और इस समय अगर आपको एक हीटर की ज़रूरत है एक रूम हीटर की जिससे आपको इतनी ज़्यादा सर्दी ना लगे और आप कहाँ पर नहीं देन दिस इज दी करेक्ट वीडियो फॉर यू क्योंकि इस वीडियो के अंदर ना सिर्फ मैं आपको बेस्ट हीटर्स बताऊंगा जो आप इंडिया में खरीद सकते हैं ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में बल्कि मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा जिससे आप पैसे भी बचाएंगे और आपके रूम में ज़्यादा सर्दी भी नहीं होगी मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा आपने ऐसा वीडियो पहले कभी देखा है नहीं देखा होगा ये मेरी गारंटी है दोस्तों मेरा पैशन और प्रोफेशन दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक्स है मैं पहले सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को खरीदता हूँ अलग अलग जगह पे टेस्ट करता हूं। पहले अपने ऑफिस में स्टूडियो में घर पे अपने मॉडल हाउस में हर जगह टेस्ट करने के बाद मैं आपको यह बताता हूं कि ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में से यानी इस रूम हीटर वाले वीडियो में रूम हीटर्स में से सबसे बेस्ट कौन सा है लेकिन अभी तो सर्दी इतनी ज्यादा पड़ी नहीं मैंने कैसे टेस्टिंग कर ली रूम हीटर्स की दोस्तों रूम हीटर्स के मॉडल्स बहुत सालों से वही चलते आ रहे हैं कुछ एक आध मॉडल ऐड होते हैं और हम पिछले कई सालों से वीडियोस बना रहे हैं पिछले साल भी आपने मेरा वीडियो देखा था रूम हीटर्स का और वो जितने भी रूम हीटर्स थे हमने इस साल और पिछले साल भी टेस्ट करे और इनको कंपेयर करा नए रूम हीटर्स के साथ उसके बाद मैं अब आप आपको बता रहा हूं ट्वेंटी के अंदर बेस्ट रूम हीटर कौन सा होगा लेकिन उन्हें बताने से पहले आपको सिर्फ दो चीजें बताता हूं ताकि आप किसी के झांसे में ना आए और गलत प्रोडक्ट खरीद के अपने पैसे खराब ना करें। इन पॉइंट्स को ध्यान से सुनिए। आप चाहे कोई भी हीटर ले लें, कम प्राइस कर देगा अप्रोक्सिमेटली थर्टी से मैक्सिमम फोर्टी मिनट्स के अंदर प्रोवाइडेड आपका रूम टू से, से टू स्क्वायर फीट का है और आपने एक अच्छे ब्रांड का हीटर खरीदा है लेकिन एक होते हैं ऑयल हीटर OFR भी कहते हैं उन्हें ऑयल फील्ड रेडिएटर हीटर वो OFR जब गर्माहट देते हैं उनको भी उतना ही टाइम लगता है मिनट्स लेकिन एक बार बंद करने के बाद वो लंबे टाइम तक आपके रूम को गरम रखते हैं लेकिन जो रेडिएंट हीटर या कन्वेक्शन ब्लोअर है वो बंद होने के बाद आपके रूम को गर्म नहीं रखेंगे तुरंत रूम ठंडा हो जाएगा इस बात का आपको ध्यान रखना है पर्टिकुलरली क्यों क्योंकि ओ एफ आर हीटर यानी ऑयल वाले हीटर थोड़े महंगे होते हैं अब आप अपना बजट देखिए बाकी मैं आपको बेस्ट हीटर आगे बता ही रहा हूं आप जब एमेजोन और फ्लिपकार्ट देखेंगे तो आपको कई ब्रांड्स के मार्केटिंग मटेरियल के अंदर लिखा हुआ दिखेगा कि नो ऑक्सीजन बर्न इन अरे भाई बेवकूफ बनाना बंद करो इतने सारे ब्रांड्स है और बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक हीटर से ऑक्सीजन बर्न होती ही नहीं है ऑक्सीजन बर्न होती है आग जलाने से चाहे वो लकड़ी में आग हो चाहे कागज में आग हो चाहे कहीं पर भी आग हो क्योंकि उससे ऑक्सीजन बर्न हो रही है जो भी बिजली से चलने वाला हीटर है चाहे वो किसी भी रेंज का हो किसी भी ब्रांड का हो किसी भी टाइप का हो उससे ऑक्सीजन बर्न नहीं होती तो झांसे में बताइए अपने रूम के अंदर सिर्फ एक पानी का बोल भर के रखिए क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हीटर नुकसान क्या करेगा आपके कमरे के अंदर मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी को कम कर देगा खत्म नहीं करेगा कम कर देगा मॉइस्चर को बरकरार रखने के लिए एक कटोरी के अंदर ही पानी भर के रख दो ये से आपको नहीं चाहिए मैं सारे प्रोडक्ट्स खरीदता इसीलिए हूं ताकि उन्हें टेस्ट करके आपको सच सच ये बता सकूं कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है और कौन सा बुरा बिना किसी ब्रांड से पैसे की उम्मीद करे हुए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैंने अपनी अफिलियट लिंक आपको दे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी और और वी एम हीटर एंड गीजर लिस्ट के अंदर भी आप प्लीज उसे डाउनलोड करें अपने फोन में और प्राइस एक रुपया भी चेंज नहीं होगा लेकिन मिलेगी उसे जोड़ जोड़ के हम ये सारे प्रोडक्ट खरीदते हैं अपना भी खर्चा चलाते हैं स्टाफ को भी सैलरी देते हैं आशा करता हूं कि आप मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे थैंक यू इन एडवांस सबसे पहले हम सबसे सस्ते हीटर्स की बात करते हैं जो कि बारह सौ रुपए से लेकर पंद्रह सौ रुपए के बीच में आते हैं और रेडियंट हीटर कहलाते हैं ये बहुत ही शानदार हीटर्स होते हैं पर्सनल हीटिंग के लिए और मैं एक नहीं आपको दो हीटर्स बताऊंगा चॉइस पूरी तरह आपकी रहेगी मेरे हिसाब से दोनों अच्छे हैं छोटे छोटे कौन से वो मैं आपको बताऊंगा एक है उषा का रेडियंट हीटर और एक है का दो एलिमेंट्स लगे हैं एलिमेंट्स हैं दोनों के अंदर वही सेम एलिमेंट्स लगे हैं अच्छी क्वालिटी के हैं ये आप दोनों को या तो फोर हंड्रेड वॉट पे या एट हंड्रेड पे रन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी सर्दी आप मतलब ज्यादा सर्दी के अंदर यूज करेंगे और दोनों की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है दोनों अच्छे एबीएस प्लास्टिक और मेटल की बॉडी के साथ बने हैं अच्छे हैं सेफ्टी फीचर्स भी अच्छा है दोनों के नीचे आपको एक टिप ओवर स्विच भी मिलेगा मतलब ये बढ़िया हीटर्स हैं और दोनों का प्राइस भी लगभग बराबर है एक साल की वारंटी आपको क्रॉम भी देता है, लगता है वो है, वाला हीटर आपको मिलता है उसकी बिल्ड क्वालिटी मेरे हिसाब से स्लाइटली बेटर है उषा के मुकाबले और उषा के अंदर आपको ग्रैब हैंडल नहीं मिलता जो आपको क्रम्पटन में मिलता है मतलब एक इमेजिन करके देखिए कि ऊषा का हीटर चल रहा है और आपने उसे बंद करा और आपने दूसरे रूम के अंदर जाना है तो आप उसे पांच दस मिनट तो हिला नहीं सकते क्यों क्योंकि हो सकता है कि वो गर्म हो कोई ग्राइव हैंडल तो है नहीं लेकिन क्रोमटन में है

हीटर एक साथ बताऊंगा ये चारों हीटर बहुत ज्यादा शानदार हैं मैं बात कर रहा हूं ओरिएंट की ऑरपेट की क्रॉमटन की और एमेजोन का अपना ही ब्रांड सोलिमो की मैंने इसे भी ट्राई किया था लास्ट ईयर ये ब्रांड बहुत अच्छा है मतलब हीटर ये वाला बहुत अच्छा भाई ब्रांड अच्छा है कि नहीं ये नहीं पता लेकिन हीटर ये वाला बहुत अच्छा और बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट करता है चारों के चारों हीटर आपको 2000 थाउजेंड वॉट की पीक पावर के साथ मिलेंगे और आपको दो हीट सेटिंग मिलेंगे चारों के अंदर यानी 1000 थाउजेंड वॉट के दो एलिमेंट्स आपको लगे हुए मिलेंगे चारों के अंदर आपको दो दो हीट सेटिंग्स मिलेंगी अगर मैं बात करूं ओरिएंट की तो वो भी बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आने वाला हीटर है और मैं इसे बहुत अच्छा मानता हूं क्योंकि इसकी एबीएस प्लास्टिक बॉडी एक्चुअली में बहुत ही स्टर्डी और सॉलिड है इन पर्टिकुलरली अगर मैं इसकी मोटर की बात करूं करू हंड्रेड परसेंट कॉपर की मोटर है 2300 थ्री हंड्रेड आरपीएम चलने वाली मतलब आपको ब्लोअर की जो आरपीएम शानदार और बढ़िया है मैं ऑर्पिट की अगर बात करूं तो उसके अंदर भी आपको वही दो हीट सेटिंग मिलेंगी दो एलिमेंट लगे हुए मिलेंगे प्लास्टिक बॉडी अच्छी है और बहुत ही स्टर्डी है और मैं पता नहीं तीन चार सालों से लगातार इसे टेस्ट भी भी कर रहा रहा और रिव्यू करके आपको इसका वीडियो दिखा एंड इट इज very very good heater. सभी हीटर्स की तरह ऑर्पिट के अंदर भी आपको बहुत अच्छे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं ओवर हीट प्रोटेक्शन मिलता है और थर्मोस्टेट तो यार थर्मोस्टैटियस है मतलब सभी के अंदर आज की रेट में आता है वो भी मिलता है आपको और अगर हम बात करें सोलिमो की तो ये बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट करने वाला ऑब्वियसली डुअल हीट सेटिंग्स के साथ आने वाला अच्छा हीटर है सस्ते होने के साथ और भी एक मजे की बात है कि ये आईएसआई मार्क्ड भी है और इसके अंदर भी आपको सारे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं जैसे थर्मोस्टैट और ओवरहीट प्रोटेक्शन आपको सोलह एम्पेयर का प्लग भी लगा लगा हुआ इसके अंदर मिलता है ये तो यार सभी हीटर में मिलता है लेकिन एक्चुअली में बहुत ही अच्छा हीटर है जिसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे अच्छी लगी एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट है क्रॉमटन क्रॉमटन भी बहुत ही अच्छा हीटर है जिसके अंदर आपको 40 वॉट का ब्लोअर फैन मिलता है दो हीट सेटिंग्स ऑब्वियसली मिलती है थर्मोस्टैट और ओवर प्रोटेक्शन भी मिलती है और उसके साथ साथ आपको थर्मल कट ऑफ भी मिलता है एंड ये भी आई अप्रूव्ड प्रोडक्ट है यानी आई अप्रूव्ड हीटर इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत शानदार है और इसका प्लास्टिक मुझे बहुत स्टडी लगा एक और चीज है आप क्रॉमटन को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली किसी भी तरह स्टैक करके यूज कर सकते हैं एंड दैट मेक्स इट रियली यूजर फ्रेंडली इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है बाकियों के मुकाबले कितना है सिक्सटीन अब ये आपके लिए ज्यादा है या नहीं मुझे नहीं पता वन ईयर की कॉम्प्रीहेंसिव वारंटी आपको कंटेंट देते हैं इस हीटर पे इसके लिंक्स दे हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेकिन इसके प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूं आपको मेरे हिसाब से इसके अंदर कोई भी कॉन नहीं है प्रोज है बहुत अच्छे हैं इसकी अच्छी मोटर है कॉपर की है कि नहीं ये क्लियर नहीं है और मैंने इसे खोल के चेक तो करा नहीं है मैंने हीटिंग देखी है 2000 हज़ार वॉट का हीटर है दोनों हीट सेटिंग्स पे बहुत अच्छा काम करता है 1000 पे भी और 2000 पे भी नाउ इट इज कंप्लीटली टू यू लेकिन मैं कहूंगा थोड़ा सा वेट करो मैं कॉन्स बता रहा हूं अपने आप कंपैरिजन करना मेरे हिसाब से चारों हीटर्स बहुत अच्छे हैं। हैन थाउजेंड रुपीज का नीचे हो सकते हैं है। है। no मिलता क्या है और हजार रुपए का ये वाला हीटर बहुत ही ज्यादा शानदार है टू थाउजेंड वॉट की पीक पावर है दो हीट सेटिंग है आई एस आई मार्क है क्वालिटी री गुड एंड टफ वाई दिल्ड क्वालिटी इंपॉर्टेंट इन हीटर क्योंकि यह रेडियंट हीटर है सारे टाइम एलिमेंट जलेगा आपको गर्म हवा फेंकते रहेंगे अगर प्लास्टिक की क्वालिटी खराब हुई और अगर वह पिघल गया तो दैट इज वाई आई पुट अ लॉन्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन द बिल्ड क्वालिटी मेरे हिसाब से बिल्ड क्वालिटी इस हीटर की इज अमेजिंग एंड यू कैन रियली गो फॉर इट नाउ टॉकिंग अबाउट ऑर्पेट ऑर्पेट में पिछले तीन चार साल से यूज कर रहा हूँ एंड ये तीन चार साल से बहुत ही स्टडी है जब भी हम इसे अपने किसी भी ऑफिस के अंदर लगाते हैं एंड यू नो इट गिवस अ रियली रियली गुड हीटिंग और रूम के अंदर थर्टी फोर्टी मिनट के अंदर पूरा गर्म हो जाता है हाँ ये चीज कन्वेक्शन के साथ होती है जब उसे करेंगे, तो पांच दस मिनट में गायब बट ये इसी के साथ नहीं है सबके साथ है प्राइस इज ऑल्सो वेरी वेरी लोकरेटिव ये आज का प्राइस है जो आप देख रहे हैं एंड दिस प्राइस इज अमेजिंग क्योंकि ये ऑर्पेट का हीटर इज वन ऑफ द बेस्ट दू कैन बाय अब आपको बताता हूं लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये मेरे हिसाब से बेस्ट हीटर है ज्यादा महंगा इसका प्राइस बिल्कुल अप्रोप्रियट है इसके अंदर हंड्रेड परसेंट कॉपर आपको मोटर मिलती है विच इज एक्चुअली फेदर इन द कैप एंड मेरे हिसाब से यह बेस्ट हीटर है इस कैटेगरी के अंदर लेकिन एक चीज इसे और भी ज्यादा शानदार बनाती है वो जानते हैं क्या है ओरियंट की तरफ से आपको वन ईयर की कॉम्प्रेहेंसिव वारंटी तो मिलती ही है लेकिन वो रिप्लेसमेंट वारंटी है अगर आपका हीटर खराब हुआ तुरंत रिप्लेस करेंगे नो क्वेश्चंस आस्ट नाउ दिस इज द कॉन्फिडेंस दैट दे वांट टू बिल्ड इन योर माइंड्स ओरिएंट जैसा ब्रांड अगर आपको ये वाली वारंटी दे रहा है यार मैं तो पचास रुपए क्योंकि मुझे वारंटी चाहिए है। अगर मेरा एक साल के अंदर हीटर खराब होता है तो कम से कम मैं उसे रिप्लेस तो करा सकता हूं ओरियंट भी, अच्छा भी अच्छा है आपको देखना है आपने क्या लेना है अगर बजट कम है तो आप सोलिमो ले सकते हैं आई हैव टेस्टेड एंड ट्राइड इट गुड वन एंड क्रॉम रियली लुक्स वेरी वेरी गुड उसे दोनों पोजिशन पे आप इसे यूज कर सकते हैं चारों के लिए

अब बेसिकली हेवल्स ने करा क्या है कि हीटिंग एलिमेंट को माइका शीट के अंदर लगा दिया है आप इसे मीका बोल दे माइका बोल दे वन एंड द सेम थिंग लेकिन माइका शीट के अंदर हीटिंग एलिमेंट को अंदर घुसा दिया है और वो माइका शीट ही अब हीट होती है और चार शीट्स आपको हीटिंग देती हैं इसके अंदर कोई ब्लोअर नहीं है और हवा जब इसके बीच में से पास होती है तो वो आपके रूम के अंदर गर्म हवा लेके आती रहती है नाउ दिस इज द टेक्नोलॉजी जिससे मीका थर्मिक टेक्नोलॉजी नाम दिया है नाम थोड़ा डरावना है नहीं बट हमें डरना आपको इसमें दो हीट सेटिंग्स मिलती हैं अब अगर आप 2000 थाउजेंड वॉट वाला लेते हैं तो उसके अंदर आपको 1000, 1000 की दो हीट सेटिंग्स मिलेंगी 1500 हंड्रेड वॉट वाले के अंदर 750 750 एडजस्टेबल थर्मोस्टेट भी आपको इसके अंदर मिलता है और सेफ्टी फीचर्स में ओवर हीट प्रोटेक्शन भी मिलती है और उसके साथ साथ आपको टिल्ट स्विच भी मिलता है दोस्तों ये हीटर सिर्फ 3.4 पॉइंट वे करता है ये इतना लाइट है अपने कैस्टर व्हील्स के साथ अगर इस पर हल्का सा हाथ लगाऊंगा तो ये गिर सकता है तो ये टिल्ट स्विच का सेफ्टी फीचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली जब हीटर चल रहा होता है तो उसके आसपास नहीं जाते हैं थोड़ा दूर ही रहते हैं कि भाई करंट वारंट ना लग जाए और गरम वरम ना लग जाए लेकिन फिर भी घर में बच्चे भी होते हैं और चांस हम बड़ों से भी गलती हो जाती है मतलब अगर टिल्ट स्विच है देन इट इज़ गुड ओवरऑल हमारे यूसेज के अंदर ये वाला हीटर अच्छा तो है लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी उतनी शानदार नहीं है जितनी यू you नो know, मैंने एक्सपेक्ट करी थी लेकिन इसका प्राइस भी उतना ज्यादा शानदार नहीं रखा गया है इज अ गुड थिंग आपको इस पे देते हैं टू ईयर्स की कॉम्प्रेहेंसि वारंटी और ये वाला टू थाउज का हीटर आपको इस समय कॉस्ट करता है थ्री थाउजेंड का और अगर आप टू थाउजेंड वाला लेना नहीं चाहते हैं और फिफ्टीन हंड्रेड वाला चाहते हैं तो वो आपको कॉस्ट करेगा थ्री थाउजेंड का मैंने दोनों के लिंक्स आपको दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और वीएम गीजर एंड हीटर लिस्ट के अंदर भी

रियली लुक्स वेरी वेरी गुड यह बिल्कुल ओ एफ आर यानी ऑयल हीटर जैसी आपको फीलिंग देगा मतलब लुक थोड़ी बहुत मतलब वैसी है बट है नहीं मतलब अब इस चीज को समझे थर्टी फाइव हंड्रेड रुपीज के अंदर आपको ओ एफ आर की लुक ही मिल सकती है वो तो नहीं मिल सकता यह मीका थर्मिक टेक्नोलॉजी कैसी काम करती है थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी मुझे बहुत ज्यादा स्टडी नहीं लगी अदरवाइज आई कैन से दैट दिस इज गुड हीटर आपको भी एक्सपेरिमेंट करना है जैसे मैंने करा तो आप जरूर कर सकते हैं इसके लिंक्स दे दिए हैं नहीं करना है तो आप ओ सुनिए मैं आपको अब नेक्स्ट वही बता रहा हूं अब बात करते हैं ओ एफ आर हीटर्स ऑयल फिल्ड रेडिएटर हीटर्स की मैं इसे ऑयल हीटर भी कहूंगा और ये मेरे हिसाब से दी बेस्ट हीटर्स होते हैं आप चाहे रेडिएंट हीटर ले लें चाहे आप कोई भी कन्वेक्शन हीटर ले लें ले, ये उससे बहुत ज्यादा अच्छे और बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं आप एक साल लेंगे तो आपको और पांच दस साल भी खरीदने की इसे जरूरत नहीं पड़ती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस एंड मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छी हीटिंग भी प्रोवाइड करते हैं आप एक बार इसे चलाएंगे पंद्रह मिनट से लेकर आधे घंटे के अंदर डिपेंडिंग ऑन द रूम साइज ये आपके रूम को पूरा गर्म कर देंगे और थर्मोस्टाइटिस में लगा होता है बार बार कट होते जाएंगे बार बार ऑन होते जाएंगे एंड रूम को एक टेम्परेचर पर ला के छोड़ देंगे आपको सर्दी का एहसास ही नहीं होगा पर्सनली आई यूज दीज हीटर्स एंड मेरे हिसाब से दे आर दी बेस्ट अब मैं आपको दो बेस्ट ओ यानी ऑयल हीटर्स बताऊंगा चुनना उन दोनों में से आपने है आप चुनिए आपके बजट और आपकी लाइकिंग के हिसाब से आपको कौन सा हीटर ज्यादा

फिन्स मिलती हैं। जो आप हीटर देख रहे हैं ये हमारे स्टूडियो में पड़ा है लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं वो वेव फिन वाला हीटर है वेव फिन इस समय मेरे घर पे पड़ा है स्टूडियो में अवेलेबल नहीं है आपको दिखाने के लिए लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ वेव फिन जितनी हीटिंग देगा उससे ज्यादा आपको उतनी ही का हीटर हीटिंग कैसे दे सकता है आप खुद ही समझिए आप स्ट्रेट फिन लगाएंगे और इसी को अगर आप करके उतनी ही जगह के अंदर वेव बना देंगे तो आपकी जो फिन है उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी एंड इज द रीजन वाई वेव फिन आपको ज्यादा जल्दी हीटिंग देते हैं एंड इज वाई मेरे हिसाब से दोनों ही हीटर्स आपको के के पावर के साथ मिलते हैं, 2500 का ऑयल हीटर है और 400 हंड्रेड वॉट का दोनों ही के अंदर पीटीसी फैन लगाया गया है इसे लगाने का एक बहुत सिंपल लॉजिक है ऑयल हीटर को काम करने के लिए लगभग 15-20 मिनट का टाइम लगता है आपके रूम को पूरा गर्म करने के लिए लेकिन पीटीसी हीटर तुरंत गर्म हवा आपको देनी शुरू करता है और वो आपके रूम में थोड़ी सी कंफर्ट लाता है जब तक तक वो लेके आता है तब ऑयल हीटर एंड दैट इज वाई दिस इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहे आप मॉर्फी रिचर्ड्स लें चाहे आप हेवल्स का हीटर लें दोनों में फर्क सिर्फ वेव फिन डिजाइन का और स्ट्रेट फिन डिजाइन का है दोनों में ही आपको तीन हीट सेटिंग्स मिलेंगी दोनों की मेटल बॉडी है और अच्छी स्टडी है और मल्टी डायरेक्शनल हीटिंग तो आपको दोनों में ही मिलेगी पर मेरे लिए हमेशा की तरह सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं सेफ्टी फीचर्स जो कि आपको दोनों में बिल्कुल बराबर और बहुत अच्छे मिलते हैं आपको टिल्ट ओवर स्विच मिलता है ओवर हीट प्रोटेक्शन मिलती है थर्मोस्टैटिक हीट कंट्रोल मिलता है एंड यू नो यू गेट रियली रियली गुड बिल्ड क्वालिटी विद आई आई मार्किंग दोनों ही ब्रांड्स आपको वन ईयर की कॉम्प्रहेंसिव वारंटी देते हैं अपने अपने प्रोडक्ट पे और ये अलग अलग वेरिएंट्स के अंदर अवेलेबल है जैसे मॉरफी रिचर्ड्स आपको नाइन इलेवन और थर्टीन फिन के अंदर अवेलेबल है जिसे आप खरीद सकते हैं और उसी तरह हेवल्स का नाइन इलेवन थर्टीन एंड के मॉडल के अंदर अवेलेबल है आप उसे खरीद सकते हैं मैंने सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं चूज वाइजली आप अपने बड़े रूम के लिए ज्यादा फिंस वाला मॉडल लीजिए वो जल्दी गर्म करेगा आपके रूम को और छोटा रूम है तो आप नाइन या टेन इलेवन फिंस का मॉडल ले सकते हैं लेकिन एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा कभी कभी आपको 11 या 13 फिंस का मॉडल बहुत ही ज्यादा सस्ता मिल रहा होता है जबकि 9 वाला मॉडल आपको महंगा मिल रहा होता है उस केस के अंदर

थर्टीन एंड हाफ के जी वे करता है यहाँ पे थोड़ा सा वेट कम करके पिछले साल के मॉडल के मुकाबले थोड़ा सा कम करके आपको वेव फिन करके दे दिया गया है। इससे के बहुत बड़ी चीज नहीं है ऐसा नहीं है कि रेडिएटर लीक हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है fact, ने अब फार बेटर रेडिएटर ऑयल भी यूज करना शुरू कर दिया है so, उससे भी जल्दी हीटिंग होती है एंड यू नो आई थिंक इट इज स्टिल देस्ट हीटर ऑयल हीटर कैटेगरी के अंदर दी बेस्ट बट जो मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगा वह है मोर्फी रिचर्ड्स क्योंकि उसका थर्टीन फिन का जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं प्राइस है टेन थाउजेंड रुपीज ओनली जबकि हेवल्स कॉस्ट करता है थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज फॉर थर्टीन फेंस मॉडल सारे प्राइसेस आप इस समय देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे आज के ये प्राइसेस चेंज होते रहते हैं डिसाइड आप खुद करिए मैं क्यों कंफ्यूज हूं मैं एक्चुअली मैं दोनों में कंफ्यूज हूं इसलिए मैंने दोनों ही खरीदे हैं मेरा तो काम भी है और मुझे यूज भी करने हैं दोनों ही मेरे हिसाब से अच्छे हैं आप इनमें से कोई भी खरीदेंगे तो कोई गलती नहीं करेंगे सबके लिंक दे दिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गो एंड चेक इट आउट दोस्तों याद रखिएगा मैं किसी ब्रांड से पैसे लेके स्पॉन्सर्ड वीडियो आपको आराम से दिखा सकता हूं लेकिन आई ऑलवेज चूज टू शो यू द बेस्ट रियल कंपेरिजन ये ट्रू व्यू और ट्रू कंपेरिजन होते हैं जिससे आपकी बहुत मदद होती है और आप एक अच्छा प्रोडक्ट सही प्राइस में खरीद पाते हैं मुझे भी सपोर्ट करिएगा मैंने सारे अपने एक और चीज बता के जाता हूं। आपने हीटर तो खरीद लिया लेकिन गीजर खरीदा क्या तक? अगर अच्छा गीजर खरीदना है तो आपको मैं दो के दे के जा रहा हूं। उसे जरूर देखिएगा और मैं आपको मिलता हूं अपने अगले वीडियो में लेकिन उससे पहले अगर आपको कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली पूछना चाहते हैं पूछिए ना कॉमेंट सेक्शन के अंदर मैं आपका जवाब जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा और अगले वीडियो में आ रहा हूं मैं जल्दी से तब तक के लिए 拜拜。Bye bye.